ये आ गई आपकी गर्मा गर्म चाय करिश्मा। आई बाबा। आखी आखी आप कब आए? जैसे हमारी बेटी ने हमें याद किया। भवानी जी का फोन आया, उन्होंने हमें चाय पे बुलाया और हम आ गए। थैंक यू बड़ी मम्मी। बसाना। अरे देखो सही और विराट भी आ गए। क्या हुआ, यहाँ पे क्यों खड़े हो? चलो ना सबके साथ बैठो ना, चलो आओ। बहुत प्यारी लग रही है। अरे गुरुजी तुम्हें? नमस्कार। या गुरुजी बसा। गुरुजी सुबह सुबह आ गए, सब कुछ ठीक ठाक है ना? सगल ठीक है अश्विनी। गुरुजी को मैंने बुलाया है, एक आखिरी रस्म रह गई है। बाकी सारी रस्में तो तुमने कर ही ली, एक रस्म तुमसे छूट गई। हो का? कौन सी रस्म बहनी? कर्म समाप्ति की रस्म। इस रस्म में दूल्हा दुल्हन का नाम बदलकर उसे नया नाम देता है। गुरुजी आए हैं ताकि इस लड़की के नए नाम के लिए एक अच्छा सा अक्षर सुझाए। गुरुजी एक ऐसा अक्षर सुझाइए ताकि उस अक्षर के नाम से ये लड़की थोड़ी सी शांत हो जाए। सोनाली। हाँ महिनी। अंदर से चावल की थाल ले आओ। आंटी। सही और विराट की कुंडली और जन्म तिथि देखकर हमने कुछ अक्षर निकाले हैं। वो शुभ अक्षर हैं ज, क और द। आप इनमें से किसी भी अक्षर से उसका शुभ नाम रख सकते हैं। मीका मिलते महिनी, ज से रखते हैं क्या? ज्वालामुखी। नहीं नहीं आई, कहाँ से रखते हैं? सही भाभी और मैं हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे। नौकरे बाबा, एक ने इतना तूफान मचा रखा है, अगर दो दो हो गई तो हम क्या करेंगे, है ना वहीनी? ये द से क्या रख सकते हैं? द से दबंग। बाबा अपनी सही तो है ही दबंग, है ना? वो दबंग एकदम डांट सकते हो एकदम। मेरा तुमने लड़की तो चुन ली, अब उसके लिए एक नया नाम भी चुन लो और इस चावल की थाल में लिख दो। उम्मीद करती हूँ कि कम से कम नया नाम तो अच्छा चुनोगे। इसमें चुनने की क्या बात है, मेरा पुराना और नया नाम एक ही है। सही। सही वाला। इतनी सारी रस्में तो तुमने पूरी कर ली, ये एक आखिरी रस्म पूरी करने में क्या दिक्कत है? आई मेरे नाम के अलावा मेरे पास आबा की और कोई भी निशानी नहीं है। ये नाम मुझे आबा ने दिया था, उन्होंने अपनी कलाई पर भी टैटू करवाया था। फिर उनकी दी हुई ये पहचान, ये आखिरी निशानी, मैं कैसे बदल दूं? मैं अपना नाम किसी कीमत पे भी नहीं बदलूंगी आई। काकू मैं ये रस्म नहीं कर सकती।
ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, मेरे आबा का प्यार है। आबा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन उनका दिया हुआ ये नाम मेरे साथ रहेगा, मेरी आखिरी सांस तक। भावनाओं में बहकर मैं रस्मों का महत्व कम नहीं कर सकती। और फिर तुमने कहा था ना कि रस्मों से परिवार की भलाई होती है, परिवार को खुशी मिलती है। तो अब क्या हुआ, सहूलियत के हिसाब से रस्में बदल दे? आज तक इस घर में जो भी लड़की आई सभी ने अपना नाम बदला है और रस्म निभाई है। मैंने भी रस्म निभाई है। शादी से पहले मेरा नाम चंद्रकला था, तुम्हारी आई का संध्या, सोनाली का माधुरी और करिश्मा का स्वीटी। सभी ने अपना नाम बदला है ताकि वो चव्हाण खानदान की बहू बन सके। अगर तुझे भी चव्हाण खानदान की बहू बनना है तो नाम तो बदलना पड़ेगा, ये रस्म निभानी पड़ेगी। मक्का है, अरे सबको करना पड़ता है सही। अभी करिश्मा को ही देख लो, वो तो मराठी भी नहीं है, फिर भी उसने किया ना। लेकिन पाखी दीदी, पाखी दीदी भी तो इस घर की बहू है, उनका नाम तो नहीं बदला गया। जहां तक मुझे पता है पाखी दीदी के साथ तो ये रस्म नहीं की गई, फिर मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है ये रस्म करने के लिए? सही, तो क्योंकि उसका पति मेरा बेटा सम्राट शादी के अगले दिन ही बॉर्डर पर चला गया था, इसीलिए पत्र लिखा कि नाम बदलने की रस्म पूरी ही नहीं हो पाई। सही, तुम हर बात में मुझे क्यों बीच में लेकर आती हो? और जरूरी नहीं जो मेरे साथ हुआ हो वो सभी के साथ हो। मैं आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं अपना नाम और अपना फैसला दोनों नहीं बदलूंगी। इस रस्म में पत्नी का नहीं पति का फैसला मायने रखता है। विराट, अपनी पत्नी का नया नाम इस चावल की थाल में लिख दो। पता नहीं विराट सर खुद को क्या समझते हैं, उनके परिवार वालों की हर बात चुपचाप सुनती रही और ये किए हैं, उसके बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझा? वाह, देखो तो कितना सुंदर नाम लिखा हुआ है। नहीं, मुझे नहीं देखना मेरा नया नाम। मेरा नाम सही था, सही है और सही ही रहेगा। मेरे आबा मुझे सही कहकर बुलाते थे और अब सबको भी मुझे सही बुलाना पड़ेगा। प्लीज 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 एक बार नजर। नहीं, मैं नहीं। नाम इंसान की पहचान होती है और उसे बदलने का हक सिर्फ उसी को होता है, किसी और को नहीं। काकू, मैं सही के फैसले की इज्जत करता हूं, इसलिए अगर तुम अपना नाम नहीं बदलना चाहती तो तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा।
थैंक यू। तू कितनी प्यारी है। आप भी कितनी प्यारी हो। और तू मुझसे कितने अच्छे से बात करती है। मेरी आई के जैसे नहीं, मेरी आई तो हमेशा मुझे डांटती रहती है। लेकिन आप इतने अच्छे हो तो फिर आई आपको क्यों डांटती है। क्योंकि मैं छोटी बच्ची हूँ ना। ताई आप ऐसे छोटे बच्चे की तरह क्यों। मैं ऐसे हमेशा छोटे बच्चे जैसे नहीं थी, मैं बिग गर्ल थी। और है ना, मैं कॉलेज भी जाती थी। कॉलेज। हाँ। और फिर क्या हुआ। मैं बिग गर्ल थी और उसके बाद मैं छोटी बच्ची बन गई। देवी छोटी बच्ची, मन की सच्ची, बच्ची मन की सच्ची, मन की सच्ची। लेकिन ताई आप याद करने की कोशिश करिए ना कि आपके साथ क्या हुआ था, आप ऐसे छोटी बच्ची कैसे बन गई। कॉलेज, कॉलेज आपका पूरा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ कुछ। दवाई। किसने दी दवाई। ए लड़की। दवाई। क्या कर रही हो तुम। मैं तो बस क्या। मैं बस ताई से उनके बारे में पूछ रही थी और कुछ नहीं। बस तुम्हें हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देवी को अकेला छोड़ दो और तुम बस अपने काम से काम रखो। ये लोग मुझे ताई से बात करने पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। जरूर कोई बात है। कोई तुम्हारे आबा के बारे में कुछ कहे तो तुम्हें जरा बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन तुम्हें हर किसी के मामले में टांग अड़ानी है। नहीं नहीं, तुम्हें तो हर बात में कुछ ना कुछ बोलना ही होता है, फिर उस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक हो या ना हो। और तुम क्यों जानना चाहती हो देवयानी के अतीत के बारे में। जो तुम्हारी जासूसी है ना, ये तुम अपने तक ही रखो। देवयानी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। मैं उन्हें परेशान नहीं कर रही थी काका। मैं उनका दर्द नहीं बांट सकती, लेकिन उनके साथ प्यार और सहानुभूति तो दिखा सकती हूँ। देवयानी को किसी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए उसका परिवार है ख्याल रखने के लिए। मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ काका। जितना हक आप सबका है उनका ख्याल रखने का, उतना मेरा भी है। साई मैं बोलो। चुप चुप चुप। चुप हो जाओ सब। साई को कोई नहीं डांटेगा। आप लोगों को पता है वो कितनी अच्छी है। वो मेरे साथ चप्पू भी खेलती है और आप लोग के जैसी नहीं है, मुझे डांटती भी नहीं है। आप लोग तो जब देखो तब मुझे डांटते रहते हो। देवी ये मत कर, देवी वो मत कर, देवी अपने कमरे में जा। अब सब गंदे सही अच्छी और सब गंदे सही अच्छी। बाबा अगर ताई को मेरे साथ अच्छा लगता है, वो अपने दिल की बात मुझसे शेयर करती है, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। प्रॉब्लम यही है कि आओ विराट, अच्छा हुआ तुम आ गए। अपनी बीवी की लगाम जरा खींच के रखना। मैं कोई घोड़ी हूँ जो ये मेरी लगाम खींच के रखेंगे। ताई, ताई वो देख, तेरे पीछे एक तितली है। सही, सही मैं बटरफ्लाई पकड़ के लाती हूँ, ठीक है? बटरफ्लाई। सही, चलो। दादा, बहनी को ये बात बतानी पड़ेगी। बेड़ेवर काही मिळत नाही या घरामध्ये। वहिनी काय झालं, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। कुछ परेशान? बहुत परेशान हूँ मैं। क्या हुआ बहनी, कुछ हुआ है क्या? आजकल रोज इस घर में कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, क्या क्या बताऊं। फिलहाल तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और पता नहीं मैंने दवाई कहाँ रख दी। लेकिन तुम दोनों यहाँ एक साथ मेरे कमरे में, कहीं कुछ नया बखेड़ा तो नहीं खड़ा हो गया। बहनी वो दरअसल बात ये है कि बहनी हमने अभी भी सही को देखा है देवयानी से बात करते हुए। वो देवयानी से जानना चाहती थी कि ये उसके साथ क्या हुआ है, वो ऐसे कैसे। देवा खंडोबा, काय करूं या विराटचं।
इस विराट को भी पूरी दुनिया में ये एक ही जंगली मुर्गी मिल गई थी शादी करने के लिए। सही जितना मर्जी समझे कि वो इस घर की बहू है, लेकिन वो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। वो विराट की बीवी रहेगी, लेकिन चव्हाण खानदान की बहू कभी नहीं बनेगी। और ख्याल रहे, इस घर के राज उसके लिए राज ही बने रहे। कहीं देवयानी का सच सही को पता चल गया तो